बेटा अब हम लोग एक एक सेल्स जो तीन सेल्स है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, इन तीनों सेल्स के फॉर्मेशन, इनका स्ट्रक्चर, इनका ऑर्गेनाइजेशन, इनके फंक्शन तीनों की एक एक करके स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आरबीसी के बारे में पढ़ाता हूँ कि आरबीसी को किस केस में रेड ब्लड सेल कहेंगे और किस केस में रेड ब्लड कॉर्प सेल्स कहेंगे। सबसे पहले ये कंफर्म करते हैं। तो अगर आप देखिए तो आरबीसी का पूरा नाम जो है इसको रेड ब्लड कॉर्प सेल्स कहते हैं या एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। आइए इसके बारे में पूरी स्टडी करते हैं। अगर हम लोग आरबीसी काउंट देखें, यही से शुरू करते हैं सबसे पहले कि हमारी बॉडी में आरबीसी का काउंट क्या है, मतलब कितनी आरबीसी है हमारी बॉडी में। तो अगर आप आरबीसी काउंट देखें, मेल फीमेल देखें, तो मेल जो है उसमें जो आरबीसी काउंट है वो 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ब्लड है। मतलब अगर आपका एक क्यूबिक एमएम ब्लड रिलीज होता है, एक ड्रॉप ब्लड आता है, तो उसमें आरबीसी 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ब्लड है। लेकिन अगर हम लोग फीमेल्स में देखें तो ये थोड़ा सा कम होता है, ये लगभग 5.0 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ब्लड होता है। 5.0 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ब्लड होता है। ये देखिए आरबीसी काउंट, सबसे पहले मैंने आपको आरबीसी काउंट बारे पढ़ाया कि मेल में ये 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ब्लड है, जबकि फीमेल्स में 5.0 मिलियन पर क्यूबिक एमएम ब्लड है। इसलिए तीनों सेल्स में मोस्ट एबंडेंट सेल है। मोस्ट एबंडेंट सेल मतलब हुआ कि जो तीन तरह की सेल्स है आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स, इन तीनों सेल्स में सबसे ज्यादा संख्या आरबीसी की है, मतलब 600 आरबीसी पे एक डब्ल्यूबीसी होती है, ये कॉन्सेप्ट है। तो पहला जो हम लोगों ने पढ़ा कि आरबीसी का काउंट क्या है। दूसरा देखिए आरबीसी का अगर हम लोग शेप देखते हैं कि आरबीसी का शेप क्या है, तो अगर आप आरबीसी का शेप देखें, इसको क्लियर करें कि आरबीसी का शेप क्या है, तो आप ये देखिए ऐसे आप बना लीजिए फिशेस में एम्फीबियंस में, ऐसे आपको ये लिखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिशेस में एम्फीबियंस में रेप्टाइल्स में बर्ड्स में। ये जो आरबीसी है फिशेस में एम्फीबियंस में रेप्टाइल्स में बर्ड्स में जो हमारी आरबीसी है, इस आरबीसी का जो शेप है वो बाई कॉन्वेक्स है, मतलब इसका शेप बाई कॉन्वेक्स है, और दूसरा ये न्यूक्लिएटेड है, मतलब इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ये इसके शेप की कॉन्सेप्ट है, बाई कॉन्वेक्स और न्यूक्लिएटेड है। किसमें फिशेस में एम्फीबियंस में रेप्टाइल्स में बर्ड्स में। और एक्सेप्शनली अगर आप देखें तो मैमल्स में दो ग्रुप हैं, दो मैमल्स मात्र हैं। एक मैमल का नाम है कैमल, मतलब आप समझ रहे हैं ऊंट, कैमल, और दूसरा है लामा। ये दो मात्र ऐसे मैमल्स हैं जिनकी आरबीसी जो है न्यूक्लिएटेड है और बाई कॉन्वेक्स है। मतलब अगर आप देखें तो शुरुआती जो आरबीसी थी, मतलब शुरुआती ग्रुप में जो आरबीसी ब्लड आया उनमें जो आरबीसी थी वो बाई कॉन्वेक्स थी, न्यूक्लिएटेड थी। लेकिन अगर हम लोग मैमल्स के बारे में देखें तो मैमल्स की जो आरबीसी है इसका क्या फ्यूचर है, मैमल्स की आरबीसी का शेप कैसा है। तो अगर आप मैमल्स की आरबीसी का शेप देखें तो ये आरबीसी बाई कॉन्केव है, सर्कुलर है। बाई कॉन्केव क्यों है, मतलब ये आरबीसी अगर आप देखें तो बाई कॉन्केव ये आरबीसी आपको कुछ ऐसे दिखाई पड़ेगी। इससे फायदा क्या होता है बाई कॉन्केव होने से कि इस आरबीसी का सरफेस एरिया जो होता है वो बढ़ जाता है, आपको याद करना है। अब इसमें मेन मैटर फंसता है न्यूक्लिएटेड और नॉन न्यूक्लिएटेड का। तो अगर आपको मैं कहूं कि इसके न्यूक्लियस की अगर बात किया जाए, आरबीसी के न्यूक्लियस की बात किया जाए किसमें, मैमल्स में, तो जितनी डेवलपिंग आरबीसी है, मतलब जब आरबीसी बन रही होती है, डेवलपिंग आरबीसी है, तो वो डेवलपिंग आरबीसी जो होती है वो न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। डेवलपिंग आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, जब डेवलपिंग आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है तो उसे रेड ब्लड सेल कहा जाता है। लेकिन डेवलपिंग आरबीसी जब आरबीसी बन रही होती है उसके जीवन चक्र में एक स्टेज आता है, उसे रेटिकुलोसाइट स्टेज कहा जाता है।
इसी स्टेज पे वो अपने न्यूक्लियस को लॉस्ट कर देती है, मतलब वो खत्म कर देती है ये आरबीसी। ये देखिए जो रेटिकुलोसाइट स्टेज में, इस तरह से आप देखें जो डेवलप्ड आरबीसी होती है, मतलब जो मेच्योर आरबीसी है, जो डेवलप्ड आरबीसी है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, मतलब उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आपसे अगर कोई पूछे कि इसमें न्यूक्लियस न होने का फायदा क्या है, तो न्यूक्लियस न होने का फायदा ये है, ये कॉन्सेप्ट आप सीखें कि अगर कोई स्ट्रक्चर ऐसे है और इसमें अगर न्यूक्लियस नहीं है तो इसमें पैकेजिंग ऑफ हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की पैकेजिंग जो होती है, हीमोग्लोबिन की जो पैकेजिंग है, जो पैकेजिंग है वो बढ़ जाती है, मतलब हीमोग्लोबिन ज्यादा पैक किया जाता है। इस तरह से आपको बात सीखनी है। अब आप फिर से समझ लें, मैमस में जो आरबीसी का शेप है बाई कॉनकेव है ताकि सरफेस एरिया बढ़ जाए, सर्कुलर है। न्यूक्लियस की बात अगर किया जाए तो डेवलपिंग आरबीसी न्यूक्लिएटेड है, उसमें सेलुलर मेंब्रेन से न्यूक्लियस है, एक प्रॉपर यूकेरियोटिक सेल है, लेकिन उसके डेवलपमेंट के दौरान एक स्टेज आती है जिस स्टेज को हम लोग रेटिकुलोसाइट स्टेज कहते हैं, उसमें डेवलप्ड आरबीसी जो होती है उसमें न्यूक्लियस खत्म हो जाती है, उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। उसका फायदा यह होता है कि इस आरबीसी के अंदर क्या भर दिया जाता है, इस आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की पैकेजिंग ज्यादा हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा हीमोग्लोबिन इस आरबीसी के अंदर भरा जाता है। शायद इसीलिए नेचर ने इसके न्यूक्लियस को हटा दिया। अब मैंने आपको पढ़ा दिया आरबीसी का काउंट, आरबीसी का शेप। तीसरी बात देखें, अगर आप आरबीसी की साइज देखना चाहते हैं, आरबीसी की अगर आप साइज देखना चाहते हैं तो अगर आप साइज देखना चाहते हैं तो ये देखिए आरबीसी की जो साइज है, सबसे जो लार्जेस्ट साइज है, मतलब सबसे बड़ी साइज जो है, लार्जेस्ट साइज जो है वो होती है एम्फीबियंस में, मतलब सबसे बड़ी साइज की आरबीसी एम्फीबियंस में पाई जाती है। वो कौन से एम्फीबियंस है, उस एम्फीबिया का नाम है एम्फ्यूमा नाम है। एम्फ्यूमा एक एम्फीबियन है जिसमें सबसे बड़ी साइज की आरबीसी पाई जाती है, याद कर लेना है आपको। पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा बड़ी साइज की आरबीसी कहां पाई जाती है, कहां पाई जाती है, एम्फीबियंस में। सबसे छोटी साइज की जो आरबीसी पाई जाती है, स्मॉलेस्ट साइज जो पाई जाती है, सबसे छोटी साइज की आरबीसी जो पाई जाती है, उस स्मॉलेस्ट साइज की आरबीसी एक खास तरह के एनिमल, उसका नाम ट्रेगुलस है। ये ट्रेगुलस जो है एक मैमल है, इसका साइंटिफिक नेम मस्क डीर, हिंदी में इसको हम लोग, इंग्लिश में हम लोग मस्क डीर कहते हैं। एक तरह का हिरण है ये, इसकी आरबीसी सबसे छोटी साइज की है लेकिन इसकी आंखें सबसे बड़ी है, हिरण में। तो अब आपको मैंने पढ़ाया आरबीसी का काउंट, आरबीसी का शेप, आरबीसी की साइज। अगला देखें, आपको ये बात याद करना है कि मोस्ट एवेंडेंट नंबर ऑफ आरबीसी इज प्रेजेंट इन फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स। मतलब जो बर्ड्स होती हैं उनमें सबसे ज्यादा फ्लाइट मसल्स ऑफ बर्ड्स, जहां पर सबसे ज्यादा आरबीसी पाई जाती है, इसीलिए इसको रिचेस्ट ब्लड ऑफ द एनिमल किंगडम कहा जाता है, रिचेस्ट ब्लड ऑफ एनिमल किंगडम। जो पक्षी उड़ते हैं उन पक्षियों के पंखों में जो फ्लाइट मसल्स हैं वहां पर आरबीसी सबसे ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए उन्हें हम लोग रिचेस्ट ब्लड ऑफ एनिमल किंगडम कहते हैं। तो ये बात हो गई। अगर आप देखें तो एक टर्म है जिसको हम लोग एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। एरिथ्रोपोइसिस माने हुआ, अगर आप ऐसे लिखें, एरिथ्रोपोइसिस माने हुआ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी का जब फॉर्मेशन होता है तो हम इसे एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। फिर एक शब्द है जिसे हम लोग एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन कहते हैं, एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स। वो ऑर्गन्स जो एरिथ्रोपोइटिस मतलब आरबीसी बनाने का काम करते हैं उन्हें हम लोग एरिथ्रोपोइसिस एरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन्स कहते हैं। इसमें स्कल आती है मतलब हमारे सिर में। दूसरा देखिए, इसमें स्टर्नम आती है, फ्लैट बोन्स है, चेस्ट बोन कहते हैं। ये देखिए, इसमें रिब्स आती हैं
और वर्टिकल कॉलम आता है। ये वो लोकेशन है जहां पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, वर्टिकल कॉलम है, मतलब हमारी बॉडी की वो लोकेशन है जहां पर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, उन ऑर्गन्स को हम लोग एरिथ्रोपोएटिक ऑर्गन्स कहते हैं। फिर ये देखिए, अब मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, एक बात और देखिए, कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करते हैं। तो अगर आप देखें हार्मोन्स कौन कौन से हैं जो इसकी मदद करते हैं, तो एक हार्मोन है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन, यह हार्मोन है जो आरबीसी के फॉर्मेशन में मदद करता है। एरिथ्रोपोएटिन कहां से निकलता है, यह निकलता है किडनी से। अगर आप इस हार्मोन को देखें तो यह निकलता है रिलीज्ड बाय किडनी। अगर आपको इसको लिखना हो तो आप कहेंगे सर ये रिलीज्ड बाय किडनी, ये हार्मोन किडनी से निकलता है और आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। क्या है ये हार्मोन है। दूसरा जो हार्मोन है थायराइड के हार्मोन्स भी, थायराइड हार्मोन्स भी जो होते हैं वो आरबीसी के प्रोडक्शन में मदद करते हैं, मतलब थायराइड के जो हार्मोन्स हैं वो भी आरबीसी के प्रोडक्शन में मदद करते हैं। तो मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, अगर आप देखें तो आरबीसी का काउंट, आरबीसी का शेप, आरबीसी का साइज, आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी को बनाने वाले ऑर्गन्स और कौन से हार्मोन्स हैं जो आरबीसी के प्रोडक्शन को मदद करते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस आरबीसी में क्या क्या स्ट्रक्चर है, इसमें क्या हो सकता है। जैसे अगर मैं सीधे सीधे लिखूं, एक टर्म लिखूं कि हीमोग्लोबिन, सीधे काम की बात करता हूं, घुमाता नहीं आपको, हीमोग्लोबिन क्या है, तो आप कहेंगे सर हीमोग्लोबिन जो होता है ये प्रेजेंट इनसाइड आरबीसी, ये आरबीसी के अंदर पड़ा हुआ है, प्रेजेंट इनसाइड कहां पे, आरबीसी। तो ये हीमोग्लोबिन का केमिकल स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसी हीमोग्लोबिन कारण रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ ब्लड, रिस्पॉन्सिबल फॉर कलर ऑफ ब्लड, रेड कलर ऑफ ब्लड ऐसे लिख सकते हैं, रेड कलर ऑफ क्या बेटा, ब्लड। ब्लड के रेड कलर के लिए कौन जिम्मेदार है, हीमोग्लोबिन। इसे रिप्रेजेंट किससे करते हैं, HbA से। बड़े लोगों में है तो HbA कहते हैं, HbA का मतलब एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है। तो अब ये एक बेसिक सी बात हुई आरबीसी की। अगर आपसे मैं पूछूं कौन सा मीटर है जिसका इस्तेमाल करते हैं आरबीसी के या ब्लड की स्टडी के लिए, ये देखिए खास तरह का मीटर है जिसका नाम है हीमोसाइटोमीटर। इसी के द्वारा कभी आप लैब में जाएंगे तो आपको इसी से ब्लड की स्टडी की जाती है। ये खास तरह का एक अपराटस है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ब्लड की स्टडी करने में। मीटर का नाम क्या है, मीटर का नाम है हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। बड़ा हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन दिन भर हम लोग सुनते हैं, कहीं कोई जाता है हीमोग्लोबिन कम हो गया, ये प्लाज्मा का। तो आइए देखते हैं हीमोग्लोबिन एक्चुअली है क्या, कितना है, कितना होना चाहिए, कब एनीमिया होता है, कब नहीं होती, सारी चीजों का हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप हीमोग्लोबिन देखें तो इसको HbA से रिप्रेजेंट करते हैं। हीमोग्लोबिन को अगर आप देखें तो आप लिख सकते हैं पैक्ड इनसाइड आरबीसी, पैक्ड इनसाइड आरबीसी, आरबीसी के अंदर ये हीमोग्लोबिन पैक है। मतलब अगर ये हमारी आरबीसी है, ये देखिए ये हमारी आरबीसी है, ये आरबीसी है, इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग डोनर मेम्ब्रेन कहते हैं। कौन सी मेम्ब्रेन कहते हैं, आपको याद करना है कि इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग डोनर मेम्ब्रेन कहते हैं, मतलब इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं कहते हम लोग, इसे हम लोग डोनर मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस आरबीसी के अंदर जो खास तरह का केमिकल भरा हुआ है, ये देखिए, इसीलिए इसका न्यूक्लियस खत्म हो जाता है। इसी केमिकल को हम लोग HbA से रिप्रेजेंट करते हैं और हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो अगर ये हीमोग्लोबिन अगर आप देखें तो हीमोग्लोबिन दो शब्द से बना है, हीम से और ग्लोबिन से बना है। तो अगर आप हीमोग्लोबिन देखते हैं तो ये हीम और ग्लोबिन दो चीजों से बना है, एक तो हीम है इसमें और दूसरा इसमें ग्लोबिन है। सबसे पहले आपको ये सीखना चाहिए, ये जो हीम है इसका मतलब यहाँ पर आयरन से है, आयरन जो है ये फिट टू स्टेज में या फिट टू पॉजिटिव स्टेज में पड़ा हुआ है आयरन। जो ये ग्लोबिन है, ये इसकी ग्लोबिन एक खास तरह की प्रोटीन है, ये ग्लोबिन एक खास तरह की प्रोटीन है। अगर इसको और एक्सप्लेन किया जाए तो इसमें जो है इसमें दो अल्फा चेन है और इसमें दो बीटा चेन है।
दो अल्फा चेन है, दो बीटा चेन है। ये अल्फा चेन 141 अमीनो एसिड की बनी है, 141 अमीनो एसिड की बनी है, और इसकी जो बीटा चेन है 146 अमीनो एसिड की बनी है। ये देखिए, ये है हीमोग्लोबिन की एक बेसिक बात, मतलब हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन दो चीजों से बना है। अब अगर इसमें दो अल्फा और दो बीटा चेन है तो इस तरह के हीमोग्लोबिन को हम लोग एडल्ट हीमोग्लोबिन कहते हैं, एडल्ट हीमोग्लोबिन कहते हैं, एडल्ट हीमोग्लोबिन कहते हैं। जब इसमें दो अल्फा दो चेन है, रिप्रेजेंट करते हैं इसको HbA से। ये देखिए HbS रिजल्ट करते हैं, लेकिन इसे तब हम लोग फीटस में अगर आप देखें तो फीटल हीमोग्लोबिन, अगर आप देखें फीटल हीमोग्लोबिन जो माँ के अंदर बेबी है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं HbF से। उसमें दो अल्फा चेन होती है और दो गामा चेन होती है। ये देखिए, मतलब डिफरेंस है, दो अल्फा चेन और दो गामा चेन होती है। ये देखिए फीटस में, और जो एडल्ट होता है उसमें दो अल्फा और दो बीटा चेन होती है। अगर आप देखें, तो 100 ml ब्लड कॉन्टेंस, मतलब 100 ml ब्लड जितनी आरबीसी हैं, उनमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो 12 से 16 ग्राम होता है पर 100 ml ब्लड, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml ब्लड हीमोग्लोबिन होना चाहिए। अगर 12 से 16 ग्राम है, मिनिमम लिमिट 12 है, मैक्सिमम लिमिट 16 है, तो इस तरह से अगर आप 12 16 जोड़े तो 28 होता है, 28 का आधा 14 होता है। अगर हम इसे लेकर 16 मान लें तो ये देखिए इसमें जो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन है वो बाइंड करता है 1.34 ml ऑक्सीजन को, 1.34 ml ऑक्सीजन को। ये कॉन्सेप्ट है, ये आपको सीखना भी है, आउट ऑफ एनसीईआरटी है लेकिन आपको हमेशा काम करेगा। फिर सुन लें, 100 ml ब्लड में जितने भी आरबीसी है उसके पास 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को बाइंड करती है। इस तरह से अगर आप देखें तो 100 ml ब्लड जो होता है, 100 ml ब्लड जो होता है, ये जो होता है अगर इसको हम 15 × 1.34 कर दें, 1.34 कर दें तो लगभग ये 20 ml ऑक्सीजन को, 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन टिश्यूज में ये मात्र 5 ml ऑक्सीजन को डिलीवर करता है। आपको ये बात रिस्पिरेशन वाला चैप्टर में मिल जाएगी। ले तो जाता है 20 ml लेकिन डिलीवर करता है 5 ml ही। एक बात आपको और रखना है, आप एक इक्वेशन बनाते हैं कि सर हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जुड़ता है और इस तरह से ये Hb4O8 बनाता है। Hb4O8 को हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो आपको सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, ये ऑक्सीजन के साथ साथ CO2 को भी ट्रांसपोर्ट करता है। तो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करता है, मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकता है। या इस बात को भी आप कहीं लिख सकते हैं, यहां लिख सकते हैं इस बात को, अगर आपको एक्सप्लेन करना हो तो ऐसे लिख लीजिए तो क्लियर हो जाएगा। वन मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट्स या बाइंड्स, लिख सकते हैं बाइंड्स 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये देखिए, एक बात और आप देखें, फीटल हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग एफिनिटी एडल्ट हीमोग्लोबिन से ज्यादा होती है। ये देखिए HbF की बाइंडिंग एफिनिटी ऑक्सीजन से एडल्ट हीमोग्लोबिन कंपेरिजन में ज्यादा होती है। जैसे एक बात और आप देख लें, अगर कोई न्यू बॉर्न चाइल्ड है फीटस में ये देखिए लगभग 40 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ब्लड में, 40 ग्राम पर 100 ml ब्लड में होता है, सोचिए 40 ग्राम, जबकि हम लोगों में कितना 12 ग्राम है, 12 ग्राम कम से कम, 12 ग्राम और सबसे ज्यादा मैक्सिमम 16 ग्राम, और छोटे बच्चे में कितनी होती है 40 ग्राम। मैं आपको बता दूं मेरा जो हीमोग्लोबिन का लेवल है वो 17 ग्राम था, इसीलिए जो चेहरा ये रोजी चीक है, चमकता रहता है। फिलहाल मैं अपनी तारीफ नहीं करना चाहता हूं, आप खुद करेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा।
तो ये तो इसके हीमोग्लोबिन के बारे में है, इसके हीमोग्लोबिन के बारे में है। अब आप एक शब्द पढ़ते हैं एनीमिया, पढ़ते हैं आपको ये बात सीख जाए तो कितना अच्छा हो कि एनीमिया क्या है। देखिए शब्द है एनीमिया, ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया माने ब्लड कैंसर, एनीमिया माने आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी। तो अगर आप एनीमिया देखें तो इसका मतलब जब लेस देन 12 ग्राम हो जाए हीमोग्लोबिन इन ब्लड, मतलब अगर हीमोग्लोबिन ब्लड में 12 ग्राम से कम हो जाए तब इस स्टेज को हम लोग एनीमिया कहते हैं। कितने ग्राम से कम हो जाए, 12 ग्राम से अगर कम हीमोग्लोबिन हो जाए ब्लड के अंदर 100 एमएल ब्लड में, 12 ग्राम लेस देन 12 ग्राम ब्लड, 12 ग्राम हीमोग्लोबिन इन ब्लड, कितने ब्लड में 100 एमएल ब्लड में अगर इतने से कम हो जाए, 12 ग्राम से कम हो जाए, तो इसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। अब एनीमिया क्यों होती है इसका भी कॉन्सेप्ट है, इसके टाइप अगर आप देख लें तो एनीमिया के कारण क्या है, जब आप टाइप पढ़ेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। टाइप देखिए, तो टाइप अगर आप देखते हैं तो सबसे पहली जो एनीमिया है उसे हम लोग एडेनोसोनियम परनिशियम एडेनोसोनियम परनिशियस एनीमिया कहते हैं, एडेनोसोनियम परनिशियस एनीमिया कहते हैं, परनिशियस एनीमिया। ये देखिए एडेनोसोनियम परनिशियस एनीमिया, ये पहला टाइप है एनीमिया का। ये देखिए एडेनोसोनियम परनिशियस एनीमिया, ये पहला टाइप है एनीमिया का। मैंने कहा कि अगर 12 ग्राम पर 100 एमएल ब्लड में 12 ग्राम से कम हीमोग्लोबिन है तो उसे हम लोग एनीमिया कहते हैं। जो पहला एनीमिया है, टाइप देखा जाए तो एडेनोसोनियम परनिशियस एनीमिया है। इसके बारे में देखा जाए तो क्यों होता है, तो आप इसे लिख सकते हैं ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व। मतलब अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी ट्वेल्व का जो कंसंट्रेशन वो कम हो जाता है तो हम लोग कहते हैं कि इसे हम लोग एडेनोसोनियम परनिशियस एनीमिया कहते हैं। विटामिन बी ट्वेल्व का साइंटिफिक नेम साइनोकोबालामीन है। अब इसमें अगर आप देखें और भी देख ले तो कोबाल्ट लिखा है, साइनोकोबालामीन को फैक्टर कौन है, कोबाल्ट है। ये पहला एनीमिया हो गया एडेनोसोनियम परनिशियस एनीमिया। अगर आप दूसरा देखें तो वो होता है एप्लास्टिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं दूसरे वाले को, एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। अगर आप इसका डिटेल देखते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया का डिटेल देखते हैं तो ये क्या होता है, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन बाई एक्सरेज। अगर किसी बॉडी के ऊपर आप बार बार इस्तेमाल करते हैं एक्सरेज का तो उसकी बोन्स जो है डिस्ट्रक्ट हो जाती हैं, बेकार हो जाती हैं, आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। इस तरह के एनीमिया को हम लोग एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। फिर देखिए अगला जो है उसे हम लोग मैक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं, मैक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं, या इसी को हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, मैक्रोसिटिक एनीमिया, या इसी को हम लोग मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। ये आपने इतना डिटेल आपको पढ़ना है ताकि आपसे कभी भी कोई प्रश्न भाग के ना जा पाए, नहीं फिर आप वही एक गाना गाएंगे जग कैसा लगता है सुना सुना। तो ये अगला एनीमिया है जिसको मैक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। अगर आपको इसके बारे में लिखना है तो ऐसे लिख लें, ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ फोलिक एसिड, ये देखिए फोलिक एसिड एंड विटामिन बी ट्वेल्व और फोलिक एसिड कारण जब एनीमिया होती है तो इसे हम लोग मैक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। एक एनीमिया और होती है जिसे हम लोग माइक्रोसिटिक एनीमिया कहते हैं। अगर आप माइक्रोसिटिक एनीमिया देखते हैं, ये देखिए माइक्रोसिटिक एनीमिया, तो इसके बारे में अगर आपको लिखना हो तो सीधे चाहे आप डायरेक्ट लिख लें, सर देखिए इसका कारण है डिफिशियंसी ऑफ आयरन। ज्यादातर ये फीमेल्स में होता है, प्रेग्नेंट फीमेल्स में, उनमें आयरन की कमी हो जाती है तब इस केस में ऐसा होती है। इसलिए आप प्रेग्नेंट फीमेल्स को देखिए वो आयरन के टेबलेट्स लेती हैं, माइक्रोसिटिक एनीमिया उनको हो जाती है। फिर देखिए
एक एनीमिया है जिसको हम लोग नार्मोसिटिक एनीमिया कहते हैं। नार्मोसिटिक एनीमिया, ये देखिए नार्मोसिटिक एनीमिया कहते हैं, ये ड्यू टू एक्सेस हेमरेज। ये हेमरेज माने होता है ब्लड की ब्लीडिंग, जैसे आप पढ़ते हैं ब्रेन हेमरेज, तो हेमरेज माने जब ब्लड तेजी से बहने लगता है तो उस समय होती है ये एनीमिया। खास करके जब व्यक्ति को एक्सीडेंट होता है, चोट लग जाती है, गिर जाता है, तो उस समय उसको नार्मोसिटिक एनीमिया होती है। फिर और देखें, एक एनीमिया होती है उसको हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। हीमोलिटिक एनीमिया ये भी एनीमिया का एक टाइप है, हीमोलिटिक एनीमिया कहते हैं। इसके बारे में अगर आप लिखना हो तो आप लिख सकते हैं ड्यू टू रप्चर ऑफ आरबीसी। अगर आपकी आरबीसी किसी तरह से ब्रेक कर जाए तो इसे हम लोग कहते हैं ड्यू टू रप्चर ऑफ आरबीसी, कि यार ये तो जो है हीमोलिटिक एनीमिया है, हीमोलिटिक एनीमिया है। ये देखिए इसके सिवा दो एनीमिया और है। एक एनीमिया होती है जिसको हम लोग सिकल सेल एनीमिया कहते हैं। सिकल सेल एनीमिया है। और इसका दूसरा एक और टाइप है थैलासीमिया। थैलासीमिया है, ये दो तरह टाइप है इसके। ये दोनों जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये देखिए, तो टोटल टाइप अगर आप एनीमिया के देखें, इसे बोर्ड पे जो एनीमिया के टाइप लिखे गए हैं अगर आप देखें, तो ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवा, और ये सात, और ये आठ। ये इतने तरह के एनीमिया होते हैं ह्यूमंस को, कोई नहीं हो सकता है। अगर आप आरबीसी का नॉर्मल लाइफ स्पैन देखें तो आरबीसी का जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है वो 120 दिन है, मतलब बनने के 120 दिन जिंदा रहती है। महीने में अगर हम लोग कहें तो ये आरबीसी 4 महीने जिंदा रहती है। 4 महीने कोई भी आरबीसी बनने के बाद जिंदा रहती है। अगर इसके डिस्ट्रक्शन की बात करें कि आरबीसी की डेथ कब होती है, डिस्ट्रक्शन या इसका लाइफ स्पैन अगर और डिटेल देखा जाए, तो स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। स्प्लीन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। हमारी बॉडी में जो स्प्लीन है वहां पे जाके सारी आरबीसी मर जाती है, खत्म हो जाती है। तो आरबीसी जब मर जाती है तो उसका क्या फ्यूचर है? आरबीसी में मैंने आपको बताया दो चीजें हैं, हीम। हीम क्या है? उसका आयरन है। ये हीम जो होता है रिसाइकल्ड हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी इसका इस्तेमाल फिर से कर लेती है, रिसाइकल्ड हो जाता है। लेकिन जो ग्लोबिन है इसका डिस्ट्रक्शन होता है। इस ग्लोबिन से पहले बिलीरुबिन बनता है, और इसी बिलीरुबिन से बाद में विनिवर्डिन का फॉर्मेशन होता है। ये दोनों काम कहां होते हैं अगर आप देखें तो ये बिलीरुबिन और विनिवर्डिन का फॉर्मेशन लीवर करता है। ये देखिए, ये है पूरी आरबीसी की कहानी। इतने तरह के हैं एनीमिया, आपको पढ़ना है। ये है इसका लाइफ स्पैन, एनसीईआरटी ने स्प्लीन को भी लिखा है ताकि आपसे कोई भी बात आरबीसी के बारे में छूटे ना। ये क्या है? हीमोग्लोबिन का एक्सप्लेनेशन है, ये एनीमिया का एक्सप्लेनेशन है। मरती कहाँ है, शेप कैसा है, साइज कैसा है, लाइफ स्पैन क्या है, न्यूक्लियस कब नहीं होता है, कब होता है, ओवरऑल जितनी भी जानकारी आरबीसी के बारे में होनी चाहिए मैंने आपको पूरी जानकारी आरबीसी के बारे में दे दी है।